हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस नए ब्लॉग के अंदर। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मिट्टी से ईंट कैसे बनती है। मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में आपको ईंट पकती हुई दिखा रही थी और आज बताने वाला हूँ कि ये कच्ची ईंट कैसे बनाई जाती है। तो चलो स्टार्ट कर दोस्तों। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, जो आप मेरे पीछे बहुत सारी मिट्टी देख रहे होंगे, इसको पानी के साथ ही मिलाया जाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, आराम आराम से आ गया हो और मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये पानी के अंदर मिट्टी देख रहे हो, इसको मिक्स किया जाता है और आप देखोगे, जैसे मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, तो ये जो आप देख रहे होगे पानी के अंदर मिट्टी मिलने से ही ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको कोई शेप देना चाहोगे, अगर कोई आकृति देना चाहोगे, तो जो भी अगर शेप देना चाहोगे वो इस शेप में आ जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने छोटी ईंट भी बना दी है। तो चलो इसके बाद मैं बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में क्या। तो दोस्तों सेकंड स्टेप क्या होता है, जो हमने आपको बताया था कि जो गहरा होती है, जो मिट्टी और पानी का मिक्सचर होता है, उसको जो हमने मैंने एक शेप दिखाई थी ऐसा इकट्ठे कर लिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो आप पॉलीथीन बैग देख रहे हो, इसके ऊपर कवर कर दिया जाता है ताकि बरसात बरसों से ये ज़्यादा इसके अंदर पानी ना जाए। और अगर आप समझना चाहो तो ये ऐसे इकट्ठी कर ले जाती है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप हम बताते हैं आपको कि क्या होता है। तो चलो तीसरे स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि ईंट कैसे बनती है। और एक ईंट आज आपको मैं भी बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलो आइए, आ जाओ आप भी कैमरामैन पास आ जाओ थोड़ी सी। तो दोस्तों इसको धनुष बोलते हैं यहाँ पे, मुझे इसका टेक्निकल नेम नहीं पता, जिसका पर इसको मोल्ड बोलते हैं, जिसके अंदर डाल के, और ये एक शेप होती है जिसके अंदर डाल के ईंट को तैयार किया जाता है। तो जो मैंने बताया था ये मिक्सचर आ गया सोयल और वाटर का, इसको क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं। एक ईंट के 6 रुपये मिलेंगे मेरे को बनाने के, मजाक कर रहा हूँ पता नहीं। और ऐसे करके और फिर इसका यूज क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, आपने वर्कशॉप में भी किए होंगे, ठीक है ना। और इसको यहाँ से रख के इसको ऐसे कट कर दिया जाता है और ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है। फिर इसको हल्का सा सेट करना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे डाल के, और आपने इसको ऐसे कर देना, ऐसे करने से थोड़ी सी अच्छी है, हल्का से शेप में थोड़ा डिफरेंस आया है। बाकी ये ईंट बन के तैयार हो गया, इधर आओ दिखाओ दिखाओ। तो दोस्तों ये ईंट मैंने बनाई है, और ये शेप में इसमें बहुत अच्छा आपको डिफरेंस भी पता लग रहा होगा कि ये शेप में कैसे रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा इतनी ट्रेनिंग नहीं थी। और ये ईंट आपको मैंने बना के दिखाई, हाथ भी थोड़े गंदे हो गए, नो प्रॉब्लम। तो ये था तीसरा स्टेप जिससे हमने आज आपको बताया कि ईंट कैसे बनती है। होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो आपको प्रोसीजर अच्छा लगा हो तो मेरे को बताना कि ये ब्लॉग आपको ऐसे कैसे लगा, नीचे कमेंट करना और मुझे आइडिया देना, और मैं आपके लिए और अच्छे नए ब्लॉग बना के दिखाता रहूँगा। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।